नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आपको ये पता नहीं है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसका बिल कितने तारीख को आएगा और कितना आएगा, तो आप कैसे पता लगा सकते हो? क्योंकि काफ़ी लोगों को दोस्तों ये याद नहीं रहता कि उन्होंने जो अपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की है वो कब की थी लास्ट टाइम, और उनका जो बिल है वो कब आएगा, कितना आएगा और लास्ट डेट क्या है। तो आज मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं जो अपने ये क्रेडिट कार्ड के बिल को अनदेखा कर देते हैं और बाद में उन्हें दोस्तों इंटरेस्ट देना पड़ता है। दोस्तों आपको सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे दोस्तों आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर आप गूगल पे वगैरह में, फ़ोनपे वगैरह में अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हो तो दोस्तों वहाँ ऑप्शन नहीं आता, शो नहीं होता कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल कितना है। आपको सिर्फ वहाँ पर पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आता है। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अपनी HDFC बैंक की जो एप्लीकेशन होती है आपको उसे ओपन करना है, क्योंकि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो सीधी सी बात है आपको आपका अकाउंट HDFC बैंक में ही होगा। तो चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों जैसे आप इसे ओपन करोगे, यहाँ दोस्तों आपके अकाउंट का जो आपका अकाउंट ओपन होकर आ जाएगा। आपको करना है ऊपर थ्री जो लाइन आ रही है साइड में, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर थ्री लाइन पर आना है आपको। यहाँ जाने के बाद दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं कई सारे, तो आपको आना है यहाँ पे कार्ड ऑप्शन आ रहा है, कार्ड पे वाले ऑप्शन के अंदर कार्ड का आ रहा है, तो आपको पे पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे देखिए कार्ड का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। कार्ड पे आने के बाद दोस्तों देखिए आपको ऊपर जो भी आपने बैंक से क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी बनवाए हुए हैं वो सब यहाँ पर शो होंगे, और उनका दोस्तों जो आपने EMI वगैरह ली है, लोन लिया है, वो सब यहाँ पर शो होंगे। तो हमें मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आपसे क्रेडिट कार्ड की, तो आपको दोस्तों देखिए यहाँ पर शो हो रहा होगा मेरा वीजा का मिलेनिया कार्ड जो दोस्तों मेरा क्रेडिट कार्ड है, तो आपको दोस्तों इसी पर क्लिक कर देना है आगे एरो पे। अब यहाँ देखिए दोस्तों आपने अब तक आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो है 38,184 रुपये। यहीं दोस्तों आपने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली है, बट आपका जो बिल है वो कितना है तो दोस्तों देखिए हमारा बिल बन के आया है 18,541 रुपये का। आपको इतना पेमेंट करना है और आपकी लास्ट डेट है 8 सितंबर 2022 तक। बट दोस्तों अगर आपके पास इतना पेमेंट फ़िलहाल नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कम से कम जो अमाउंट है वो 930 रुपये पे करना है, इतना तो आपको करना है। अगर आप 930 रुपये पेमेंट कर देते हो, अपने कार्ड का बिल पेमेंट कर देते हो, तो आपको ऊपर दोस्तों कोई भी चार्ज लग के नहीं आएगा एक्स्ट्रा अमाउंट। और अगर आप इतना पूरा कर देते हो फिर भी दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आपका पूरा ये अमाउंट जो पे हो जाएगा। अब दोस्तों पेमेंट कैसे करना है जी मैं आपको बताता हूँ, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना। जैसे अगर आपके पास इतना अमाउंट है और लास्ट डेट इतनी है, तो दोस्तों जो 8 सितंबर जो डेट है वो इसकी नहीं है सिर्फ, अगर आपके पास इतना बैलेंस है फिलहाल तो आप कर सकते हो, और अगर आपके पास इतना बैलेंस नहीं है तो आप 930 रुपये 8 सितंबर तक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो भी आपका अमाउंट बाकी रह जाएगा उसकी लास्ट डेट उसके बाद आएगी जब आप 930 रुपये पेमेंट कर दोगे। तो इसमें दोस्तों ये अच्छी बात होती है कि आपके पास अगर फिलहाल पूरा पेमेंट नहीं है तो आप इतना कर सकते हो, जिससे दोस्तों आप इंटरेस्ट देने से बच जाओगे। अब पेमेंट कैसे करना है, तो अगर आपके HDFC बैंक में अकाउंट में बैलेंस है तो आप यहीं से पेमेंट कर सकते हो, और अगर आप किसी और से करवाना चाहते हो किसी और के अकाउंट से, तो आपको करना क्या है, आपको अपना क्रेडिट कार्ड का दोस्तों जो नंबर होता है, जैसे दोस्तों मेरे क्रेडिट कार्ड का नंबर है ये बीच में दोस्तों ये ब्लैंक कर दिया है, तो इस नंबर को आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस नंबर को दोस्तों आप गूगल पे आप यहाँ से अपना बैलेंस चेक कर लो कि आपका अमाउंट कितना है। जैसे आपको कम से कम 930 रुपये पेमेंट करना है, तो आपको करना क्या है, आप किसी के भी गूगल पे, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, जैसे आप देख सकते हो डिस्प्ले पे, आप किसी के भी गूगल पे फ़ोनपे से उसमें आप क्रेडिट कार्ड बिल का जो ऑप्शन आ रहा है इसमें आपको अंदर जाना है, और यहाँ दोस्तों आपको अपना कार्ड सेलेक्ट कर लेना है किस बैंक का है, और उसके जाने के बाद वहाँ जाने का दोस्तों आपको अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर डाल देना है, और जे डालने का दोस्तों वहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो आपको वहाँ पे अपना अमाउंट याद रखना है 930 रुपये है, या आप पूरा करना चाहते हो तो इतना याद रखना है और पेमेंट कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका पेमेंट हो जाएगा। और अगर आपके अकाउंट में ही बैलेंस है HDFC के में, तो मैं आपको यहीं से करके दिखाता हूँ कैसे करना है। आपको पे पर क्लिक कर देना है, और यहाँ दोस्तों देखिए मेरे अकाउंट का नंबर लिखा हुआ आ रहा है अकाउंट नंबर, और यहाँ दोस्तों मेरा बैलेंस लिखा हुआ आ रहा है, और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखिए अमाउंट
टू पे हमें कितना पेमेंट करना है, जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया मिनिमम अकाउंट है दोस्तों 930 रुपये और टोटल अमाउंट है 18,541 रुपये। दोस्तों मैं टोटल अमाउंट पेमेंट करता हूँ पूरा और दोस्तों मैं टोटल अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो देखिए मेरे कार्ड का नंबर यहाँ पर शो हो रहा है और मेरे अकाउंट का नंबर कि मेरा पेमेंट इस कार्ड में होने वाला है इस अकाउंट से और इतना टोटल ड्यू उतना है। अब मैं कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ चुका है कि यू हैव सक्सेसफुली पेड योर क्रेडिट कार्ड बिल। अब मैं चाहूँ दोस्तों इसको डाउनलोड, इसकी स्लिप डाउनलोड ले सकता हूँ। रेफरेंस नंबर दोस्तों मेरा ये है तो फिलहाल मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। दोस्तों देखिए मेरे पास मैसेज भी आ चुका है कि मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली पेड हो चुका है। तो मैं दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और दोस्तों इसको डाउनलोड भी कर लेता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल कहीं से ही पेमेंट कर सकते हो। और दोस्तों जो तरीका मैं आपको बता रहा था कि आप किसी और के मोबाइल से गूगल पे फ़ोन पे से कैसे कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपको करना क्या है, जैसे मैं आपको अपने ही फ़ोन से दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों मान के चलिए मेरा ये गूगल पे है, आप किसी और के में ओपन कर रहे हो, आप मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, गूगल पे ओपन करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर ऑप्शन आता है पे बिल। अब पे बिल में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आएंगे कि हमें किसका बिल पेमेंट करना है, मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, DTH, फास्टैग, गूगल पे, क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए मेरा कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड मेरे पास ऑलरेडी हैं कोटक बैंक का, HDFC का, वो दोस्तों मैंने पहले ही सेव कर लिए हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आपका पहले से सेव तो है नहीं है तो आपको अपनी बैंक सेलेक्ट कर लेनी है जिस बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड है। तो मान के चलिए मेरे पास है दोस्तों HDFC बैंक का है, मेरा तो सेव है, बट मैं फिर भी आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आपको सिलेक्ट कर लेना HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड और करने के बाद दोस्तों देखिए मेरा स्टेटस ली नहीं आ रहा, आपको मैं आप किसी और बैंक का दिखाता हूँ। तो दोस्तों मान चलिए जैसा आपका अकाउंट बैंक वो क्रेडिट कार्ड है एक्सिस बैंक का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे एक्सिस क्रेडिट कार्ड नंबर मांग रहा है, आपको यहाँ पे अपना कार्ड नंबर डालना है जो दोस्तों पीछे लिखा हुआ होता है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर कोई भी नाम डाल सकते हो जिससे आपको याद रहे कि आपने किस कार्ड का पेमेंट किया है। तो आप अपना नाम डाल सकते हो, उसके आगे आप अपना बैंक नेम डाल सकते हो, जैसे कि आपका नाम है कुछ भी, वो नाम डालने के बाद आप डाल सकते हो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड और लिंक अकाउंट पर क्लिक कर दोगे। जब आप लिंक अकाउंट में क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से, जैसे मेरा यहाँ पे ये शो हो रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे बन के आ जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपको अपना कार्ड सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ दोस्तों आपको पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, पे कर देना है। पे करने का दोस्तों देखिए आपको अपने स्टार्टिंग के, मेरे लास्ट डेट तो आ रहे हैं, आपको अपने स्टार्टिंग के जो 12 डिजिट होते हैं वो डालने हैं और उसको डन कर देना है। फिर उसके बाद दोस्तों ऑप्शन आएगा पेमेंट का कि आपको कितना पेमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों शो नहीं होगा कि आपका बिल कितना है। तो आपको याद रखना है कि आपका बिल इतना है तो उतना ही पेमेंट करके आप पे कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।